सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज ब्रांड न्यूज एडिक्स 10R और ये व्लॉग शुरू कर रहा हूँ मैं आप लोग से ये बताने के लिए कि लॉन्च कंट्रोल कैसे यूज करते हैं एंड लॉन्च कंट्रोल का काम क्या होता है बेसिकली। तो इतनी बड़ी बाइक्स होती है उनमें इट्स वेरी हार्ड टू पुट द पावर डाउन, इतना ज़्यादा हार्ड होता है कि आप इंस्टेंटली इनको लॉन्च नहीं कर सकते। अगर आपने लॉन्च की तो आप पलट सकते हो, व्हील उठ सकती है, बर्नआउट पड़ के गाड़ी स्लाइड हो सकती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है जिनको आपको जूझना पड़ता है एंड विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसलिए बनाए लॉन्च कंट्रोल जिससे आप थोड़ा रिस्पॉन्सिबली गाड़ी को लॉन्च करो। हालांकि लॉन्च करना अपने आप में ही उतनी रिस्पॉन्सिबल चीज़ नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा आप सेफ रहो। तो मैं आपको बताता हूँ यूज़ कैसे करते हैं। बाकी अगर इस बाइक की स्पेक्स की बात करें, 203 BHP, 207 kgs, दैट्स इट, और टॉप स्पीड इसकी वही 300 km/h है। तो सबसे पहले हम बाइक को लगाते हैं राइडर 3 मोड पर लगाते हैं, जिसमें आपका ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन होना चाहिए, तब काम करेगा आपका लॉन्च कंट्रोल। अगर आप ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ रखोगे तो लॉन्च कंट्रोल काम नहीं करता है। हम आते हैं फर्स्ट गियर में और मोड और सेलेक्ट साथ में दबाना है। हाँ आ गया, देखो यहाँ पे लिख के आ गया कावासाकी लॉन्च कंट्रोल मोड ऑन। तो अब क्या करना है, अब आपको फुल थ्रॉटल लेना है। बाइक पूरी रेव नहीं होगी 14-15 हज़ार RPM तक, जितनी ज़रूरत है उतनी रेव होगी। देखो काम करता है कावासाकी का लॉन्च कंट्रोल। और भी बताता हूँ बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स कैसे काम करते हैं, बट इसको एक बार और कर लेते हैं, इसको एक बार और करना सही रहेगा। यहाँ पे रोकते हैं बाइक और आपको फिर से एक बार लॉन्च करके दिखा देता हूँ मैं बाइक, क्योंकि अगर और हमेशा ध्यान देना जिनके पास भी बाइक्स है, जब यहाँ पे एक्टिव ना लिखा हो तब मत छोड़ देना, वरना सीधा प्लूटो के ऊपर बैठे हो गए आप गारंटीड। ये दबाते हैं दोनों साथ में, आया ज़्यादा गुस्सा आ गई थी भाई। चलो अब दिखाता हूँ आपको लॉन्च करके, और कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है फुल थ्रॉटल। क्या बूस्ट है भाई, क्या बूस्ट है, मजा आ गया। वो 7-8 thousand ये बाइक लिटरली उड़ती है मैन, मज़ेदार बाइक है। उसके अलावा अगर और भी इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो आपको KTRC मिल जाता है, विच इज़ कावासाकी ट्रैक्शन कंट्रोल। एंड इससे क्या होता है ना, जब भी कोई रफ सरफेस पे हो गए आप, तो वो आपको बचाएगा स्लाइड होने से, गिरने से, बेसिकली आपको काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट करने वाला है। ट्रैक्शन कंट्रोल ऐसी मोटरसाइकिल्स में ज़्यादा यूजफुल होता है। बाकी इसमें फ्यूल गेज नहीं, ये नहीं बताता कि इसमें कितना फ्यूल बचा है, बट स्टिल थोड़ी बहुत चीज़ें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। फ्यूल की लाइट जल गई, यहाँ पर भी जल गई, यहाँ पर भी दिखाने लगा, और आपको रेंज वेंज ये सब दिखा देगा। तो कायदे से कावासाकी चाहती तो दे देती, बट उन्होंने रॉयल एनफील्ड से इंस्पायर होकर इसको नहीं दिया है, और सेम MV वालों ने भी नहीं दिया है। तो दोनों ही मोटरसाइकिल्स में फ्यूल गेज आपको नहीं मिलने वाला है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका क्रूज कंट्रोल है। क्रूज कंट्रोल कैसे एक्टिव होता है, तो ये सेट हो गया क्रूज कंट्रोल, हमने इसको 81 पे कर दिया। तो आप 80 पे क्रूज कंट्रोल करके आप देखो बाइक अपने आप चल रही है, और ये फ़ायदा है क्रूज कंट्रोल का। मैंने कहा सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आज आपको समझाए जाएंगे, तो अगर इस टाइम अगर आपने ब्रेक कर दी तो क्रूज कंट्रोल हट जाता है। तो ऐसे काम करता है क्रूज कंट्रोल। इसके अलावा मैंने लॉन्च कंट्रोल आपको दिखा दिया, क्रूज कंट्रोल के बारे में थोड़ा बता दिया, एंड इसमें डिफरेंट राइडिंग मोड्स मिल जाते हैं। अगर आप नॉर्मल रेन मोड में चलाओगे तो उसमें बाइक बहुत लीनियर हो जाएगी, ABS का रिस्पॉन्स बहुत हल्का फुल्का हो जाएगा, और हर एक चीज़ ट्वीक हो जाएगी। तो अगर किसी को आप नए राइडर को दे रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप रेन मोड में दो, बिकॉज वो थोड़ा सेफ रहेगा राइडर के लिए भी, बाइक के लिए भी, और आपके लिए भी। गियरबॉक्स से वो बहुत ज़्यादा स्मूथ है, और जो क्विक शिफ्टर है वो भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। बन गया आपका, चले चलिए। तो अब हम आ गए MV Agusta F3 पे, हमने चला ली ZX10R, और काफ़ी ज़्यादा मज़े किए हम लोगों ने, काफ़ी व्लॉग शूट किए, काफ़ी इन्जॉय किया साथ में। एंड बाकी देखो अगर लॉन्च कंट्रोल की बात करें तो देखो लॉन्च कंट्रोल, अगर आप बहुत ही प्रोफेशनल राइडर हो तो लॉन्च कंट्रोल से बेटर आप लॉन्च कर सकते हो अपनी बाइक, बिकॉज उसमें लॉन्च कंट्रोल में क्या होता है कि वो बाइक की पावर बहुत अंडरकट कर देता है स्टार्टिंग की रेवरेंज में। बाकी अपना फ़ोन बज रहा है, पता नहीं कौन फ़ोन कर रहा है। अब टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब आप इतने गियर्ड अप होते हो ना, फ़ोन बजता है यार, तो बिल्कुल हो नहीं पाता है कि फ़ोन उठाया जाए, फ़ोन उठा के बात करी जाए, फिर ग्लव्स पहने जाएँ, ये सब चीज़ें। तो मैं फ़ोन सीधा घर पर उठाता हूँ, एक बार चेक ज़रूर कर लेता हूँ कि मम्मी डैडी को कोई काम ना हो, कोई एमरजेंसी ना हो किसी को, बस दैट्स इट। तो अभी फ़िलहाल घर की तरफ चल रहे हैं हम लोग।
अगर दोनों बाइक्स के इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करी जाए तो उसमें लॉन्च कंट्रोल भी है, उसमें व्हीली कंट्रोल भी एक्स्ट्रा मिलता है। खैर अगर ट्रैक्शन ऑन रहता है तो व्हीली ऑफ कोर्स अपने आप ही नहीं उठेगी, बाइक नीचे आ जाएगी। तो मैं आपको बताता हूँ ट्रैक्शन कंट्रोल काम कैसे करता है। आगे वाला जो व्हील और जो पीछे वाला व्हील है, अगर उनकी स्पीड में डिफरेंस आता है तब ट्रैक्शन कंट्रोल बाइक की पावर कट कर देता है। दैट मीन्स आपने थ्रॉटल दिया, बाइक का पहिया वहीं घूमा और ट्रैक्शन कंट्रोल को पता चल गया कि पीछे वाले की स्पीड बढ़ रही है, आगे वाले की स्पीड कम है, तो वो पावर कट करेगा। एंड इस तरह से वर्क करता है ट्रैक्शन कंट्रोल। आई होप आपको समझ आया होगा जो मैंने आपको बताया। अगर अभी भी कोई डाउट लगे तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं आप लोग को बता दूंगा। वैसे थोड़ा सा बेसिक और क्लियर वे में समझाया मैंने कि बाइक को लगता है कि बाइक स्लाइड हो रही है, पहिया घूम रहा है किसी जगह पे, और इसलिए वो पावर कट करता है आपको बचाने के लिए, आपकी जान बचाने के लिए। और बाकी ABS कैसे वर्क करता है, ABS का जो फंडा है वो भी कुछ हद तक सेम है, बट उसके केस में ऑपोजिट है। जब उसको लगता है कि आपका कोई व्हील जाम हो गया है, मतलब रुक गया है एकदम से, तो वो उसको एकदम डायरेक्टली रुकने नहीं देता है, क्योंकि वो भी आपकी जान बचाता है, आपको गिरने से बचाता है, स्लिप होने से बचाता है। तो वो ABS का काम है। ट्रैक्शन कंट्रोल आपके व्हील को ऐसे 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 पावर देता है, रुक रुक के पावर देता है, और ABS आपके व्हील को ऐसे 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 ब्रेक लगाने देता है। कुछ भी आपको इंस्टेंट नहीं करना चाहिए। आप थ्रॉटल दोगे तो ट्रैक्शन कंट्रोल बचाएगा, आप पूरी तरह से ब्रेक मारोगे तो आपको ABS बचाएगा। आई होप ये थोड़ा आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। बाकी लॉन्च कंट्रोल मैंने आपको समझा दिया, मैं सारे इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्विक शिफ्टर कैसे काम करता है अगर वो देखना है तो यहाँ पे आई बटन में लिंक दे रखा है। जब मैंने R15 ली थी तब मैंने आपको बताया था। ऑटो ब्लिपर का काम क्या होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो ऑटो ब्लिपर कैसे काम करता है आपको समझाता हूँ मैं। गियर डाउन करने के लिए अगर मैं क्विक शिफ्टर नहीं, ऑटो ब्लिपर नहीं है गाड़ी में, तो मैं ऐसे ब्लिप करता हूँ, थ्रॉटल ऐसे करके छोड़ता हूँ, तब गाड़ी का गियर डाउन, देखो ऐसे ऐसे, तो ये ऐसे मैं कर रहा हूँ, ये चीज़ गाड़ी अपने आप करती है। दैट मीन्स ब्लिप। ब्लिप का मतलब क्या है, थ्रॉटल को ले के छोड़ देना। क्या तुरंत उठ जाती खट से, ऐसे वर्क करते हैं ऑटो ब्लिपर। ये वाला जो रिस्ट का काम है, थ्रॉटल डाउन करके फिर नेक्स्ट गियर में जाते हो आप, गियर डाउन करते हो तो आपको ज़्यादा RPM चाहिए होता है, तो फिर वो थ्रॉटल मैच करना, रेव मैचिंग वो खुद कर लेता है, दैट इज़ कॉल्ड ऑटो ब्लिपर। एंड आई होप समझ आ रहा होगा। ट्रैक्शन कंट्रोल समझा दिया, ऑटो ब्लिपर समझा दिया, ABS समझा दिया, और क्विक शिफ्टर के लिए आपको बता दिया कि आप आई बटन में जा सकते हो देखने के लिए, और लॉन्च कंट्रोल समझा दिया। व्हीली कंट्रोल कैसे वर्क करता है ये मुझे लगता है किसी और दिन सिखाएंगे, क्योंकि मुझे, मैं क्या करता हूँ, पहले खुद अच्छे से एजुकेट होता हूँ फिर आपको एजुकेट करता हूँ। दैट इज़ हाउ आई एक्सप्लेन थिंग्स टू यू। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे अभी व्हीली कंट्रोल का पूरा प्रॉपर जो फंडा है वो नहीं पता है, और मुझे इतना पता है ट्रैक्शन कंट्रोल से ही वर्क करता है, और कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है व्हीली कंट्रोल में। जब वो सेंस करता है कि अगले व्हील की स्पीड कम हो रही है, दैट मीन्स बाइक व्हीली कर रही है, वो बाइक को रोकता है और फर्दर वो इंजन को पावर डिलीवर करने नहीं देता है कि बाइक की व्हीली और पड़े या तो आप पलट जाओ ऐसे सिनारियों में, तो वो भी आपकी थोड़ी जान बचाता है। बट एग्जैक्टली मुझे उसके बारे में नहीं पता है, और मेरा क्या यार, अपने बीच ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जो है वो मैंने बता दिया, जो नहीं पता है वो नहीं बता रहा हूँ। वो फिर कभी जब अपने पास व्हीली कंट्रोल वाली मोटरसाइकिल आने वाली है वो होगी, तब समझाएंगे आपको। भाई MV Agusta खतरनाक चीज़ है भाई, देख रहे हो, थ्रॉटल देते ही बाइक हवा में उड़ने के लिए तैयार हो रही है। बाकी मुझे लगता है मैंने काफी चीजें समझा दी, टाइम आ गया इस वीडियो को एंड करने का। आई होप आपको इस वीडियो में मजा आया होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर दो, 1 मिलियन होने वाले हैं। बाकी आपकी ख्वाहिश थी कि हम दोनों साथ में व्लॉग करें, वो भी हम लोगों ने पूरी कर दी। MV और TNR को आपको साथ में देखना था, वो ख्वाहिश भी हमने आपकी पूरी कर दी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है, इंस्टाग्राम हैंडल डिस्प्ले हो रहा है, फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो। सी यू सून इन द नेक्स्ट व्लॉग। राइड हार्ड, राइड सेफ, स्टे सेफ, एंजॉय।